हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वन अनदर न्यू ब्लॉग। सीधे कपकोट की ऊंची ऊंची और सुंदर सी पहाड़ियों से तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:50 हो चुके हैं। तो हम उठ चुके हैं काफ़ी पहले, मैं तो उठ के पूरा यहाँ घूम चुका हूँ और पूरे पहाड़ियों का नज़ारा ले चुका हूँ, क्योंकि इतनी सुंदर सी जगह है पूछिए मत। और सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, आहा क्या सुकून देती है, और नीचे बह रही है नदी तो उसकी सें 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 की आवाज़ एकदम मंत्रमुग्ध कर देती है, मज़ा आ गया एकदम। इतनी सुंदर सी जगह है, तो इतनी सुंदर जगह प्लेंस में कहीं भी नहीं मिलने वाली, इतनी सुंदर नदी प्लेंस में कहीं भी नहीं मिलने वाली, और इस नदी की जो कलकल की आवाज़ है वो कहीं भी नहीं सुनाई देने वाली जो यहाँ सुनाई दे रही है, और चिड़ियों की चहचहाट, ओए होए होए होए। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं क्या शानदार है। सामने वाली जो पहाड़ी है वहाँ तो धूप आ चुकी है, तो यहाँ अभी धूप नहीं आई है, और जहाँ हम रुके थे सामने पहाड़ी है इतनी ऊँची ऊँची ऊपर तक, शायद ऊपर गाँव है कोई, और यहाँ पर हम रुके थे और नीचे नदी बह रही है, देख सकते हैं वो दिख रही है साफ, इतना शुद्ध और साफ पानी है पूछिए मत। और सामने भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है ऊंची ऊंची, और इसके ऊपर कोई गांव है शायद, तो ये रोड बननी है यहाँ पर जो आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, और ये सड़क जा रही है सीधे गांव है आगे, कोई पता नहीं कौन से गांव है, तो वहाँ उनको जोड़ती है ये। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। तो अभी हम उठे ही हैं कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले उठ गए थे, लेकिन अभी हाथ मुँह भी नहीं धोया हमने, पेस्ट भी नहीं किया है, और अभी हम सोच रहे कि नीचे नदी में जाकर हम नहाएंगे या हाथ मुँह धोएंगे, जो भी है, ठंडा भी हो ही रहा है यहाँ काफ़ी। ये हमारी बुलेट खड़ी हुई है, तो इसी से हमने पूरा सफ़र किया कल, तो ये भी बेचारी एकदम थकी हारी लग रही है। और बाकी यहाँ पर है गैस गोदाम, तो इसीलिए ये थोड़ा सा शहर से दूर है, एकदम शांत इलाके में। और कल हमने जो दूरी तय की वो लगभग 220 किलोमीटर की दूरी तय की, पूरे दिन भर हम चलते रहे, बाइक चलाते रहे, और यहाँ आते आते 8:30 बज गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था और बहुत थक गए थे इसलिए हम सो गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं नदी में नहाने, ज़्यादा नहाने के लिए रहे हैं, लेकिन पानी देखते हैं वहाँ का कितना ठंडा है, नहा पाएंगे या नहीं। तो कपड़े वपड़े ले लिए हैं और साबुन वाबुन ले ही लिया है, क्योंकि बचपन में बहुत नहाया है इन नदी नालों में पहाड़ के, तो आज उसी याद को फिर से ताज़ा करते हैं। ये जा रहा कमल आगे से, ये रास्ता है जाने का नदी में। तो इन पहाड़ियों के ऊपर में गांव है, यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहे, और ये है यहाँ की नदी, शायद आवाज़ सुनाई दे रही होगी इसकी सें 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 की। और ये चीड़ के पेड़ हैं, तो अभी इसमें फूल आ रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं, और ये बांज के पेड़ हैं, और ये है किरमोड़ी का पेड़, किरमोड़ा। आराम से, आराम से भैया, आराम से, गिर मत यार, तू आर्मी मैन हो गया, तू फिसल रहा है यार। तो ये सारे बांज के पेड़ हैं जो दिख रहे हैं। तो पहाड़ों में आके आपकी सारी टेंशन, सारी थकान कहीं गायब सी हो जाती है, क्योंकि यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन में और परेशान में रहने ही नहीं देते हैं। तो हम पहुँच गए हैं नदी में, तो बरसात के समय तो काफ़ी ख़तरनाक नदी आती होगी, ये पत्थरों को देख के लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा कम पानी है, कम तो नहीं बहुत ज़्यादा पानी है ये भी, तो यहाँ पर एक छोटा सा तालाब जैसा भी है, और पानी इतना साफ है कि एक एक कंकड़ पत्थर साफ दिखाई दे रहा है, सकते हैं कितना साफ पानी है, और नज़ारा तो क्या कहने क्या कहने, बिल्कुल साफ पानी एकदम, एक एक कंकड़ पत्थर साफ दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर की साइड से आ रही बह के और इधर को जा रही है, इस तरह का कुछ नदी का नज़ारा है। तो आज कई सालों बाद मैं इस तरह से नदी में नहाने आया हूँ, और यहाँ पर खेत भी हैं ऊपर में, तो यहाँ कोई घर तो दिखाई नहीं दे रहा आसपास, लेकिन खेत है यहाँ पे, तो कुछ बो रखा है ऊपर में, जाके देख के आता हूँ बोया क्या है, ऊपर से हरा हरा दिख रहा था कुछ। तो यहाँ से चढ़ के चलते हैं ऊपर, ये है तिमुले का पेड़,
तो तिमले लगे हुए हैं इसमें काफ़ी सारे, अभी पके नहीं है ये, जिसको अंजीर भी कह सकते हैं। तो कमल वो उधर है और नीचे मैं आ चुका हूँ ऊपर, तो यहाँ कांटे वांटे लगा रखे हैं, तो देखते हैं ऊपर में जाके। ये है इधर की खेती। तो अभी मैं आ गया हूँ ऊपर खेत में, तो मैं देखने आया कि इधर बोया क्या है, क्योंकि ऊपर से बहुत हरा हरा दिख रहा था। गेहूँ भी बढ़िया हो रहे हैं, जैसे पहाड़ में फसल होती है वैसे हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं पहाड़ में काफ़ी बंदर आते हैं, सूंगर आते हैं, फसल होने नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ तो ठीक ठाक हुई है। तो इस तरह के कुछ गेहूँ रखे हैं, इसी तरह के गेहूँ होते हैं, और ये शुद्ध ऑर्गेनिक गेहूँ है, इसमें कोई खाद नहीं, कोई दवाई नहीं, एकदम ऑर्गेनिक है पूरी तरह से ये, इसीलिए काफ़ी पौष्टिक होता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है पहाड़ का जो भी अनाज होता है। सामने क्या सुंदर फूल खिले हुए हैं, जो झाड़ियाँ हैं उनकी। तो इस तरह की कुछ फसल हो रही है यहाँ पे कपकोट में। तो ये तो बिल्कुल नीचे का जगह है, तो अभी चलते हैं और नहाते धोते हैं, और उसके बाद आज हमारा प्लान है कैम्प्टी फॉल तक जाने का, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। और पानी क्या स्पीड से आ रहा है, तो ऐसा डर भी लग रहा है, नहीं बहाने दे, लेकिन इतना डर भी नहीं लग रहा है। नारे क्या यूं कर रहा है, लगा डुबकी है और नहाले क्या है पहाड़ों में, एक बार चम्मू होगी बस है। तो ये नहाने से घबरा रहा है अभी क्योंकि यहाँ ठंडा भी है, काफ़ी अच्छा खासा ठंडा है। तो कितना पानी है यहाँ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, और यहाँ पर नहाने का तालाब जैसा है छोटा सा, तो यहीं हम नहाएंगे अभी। तो कमल जा चुका है नहाने के लिए नदी में। ए गजब कैसा हो रहा है, मज़ा आ गया। तो कमल ने तो हिम्मत बना ली है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन मैं भी जाऊंगा अभी नहाने। तो कमल तो आ गया एक डुबकी मार के, दूसरी डुबकी मारने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो अब मैं हिम्मत बना रहा हूँ और मैं जाता हूँ, कम से कम 4 डुबकी तो मार के ही आऊँगा। आखिरकार हमने हिम्मत करके नहा ही लिया, तो शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई है, और पानी तो इतना ठंडा था ना भाई साहब पूछे मत। हो तो नहाने में जितनी ठंड लगी थी, इस धारे में ऊपर को चढ़ने में उतनी ही गर्माहट आ गई, तो शरीर अब एकदम गर्म हो गया, नॉर्मल हो गया। तो वो उधर गए थे हम नहाने नदी में नीचे, तो अभी आ गए हम ऊपर, कमल तो पहुंच गया ऊपर। यहाँ पर हम रुके थे रात में, इनका क्वार्टर है। तो ये है कमरा जहाँ हम रुके थे। तो इधर हम रुके हुए थे, तो ये है हमारे दादी, तो ये यहाँ इंडियन गैस सर्विस में जॉब करते हैं, तो यहाँ इनका क्वार्टर है, तो इन्हीं के वहाँ हम रुके थे रात भर। और इधर कमल अभी सुस्त बैठा हुआ है, क्योंकि कल काफ़ी थक गया था ये, और रात को हम रजाई ओढ़ के सोए थे। इधर देख सकते हैं सभी रजाई ओढ़ के सोए थे, कोई कम्बल, कोई रजाई कम्बल भी, कम्बल पड़ा हुआ है वो। ठंडा भी अच्छा खासा हो रहा है, ठंडा हो रहा ना, तो चल अब चलते हैं, चलने की तैयारी कर अब। तो ये दादी हमारे मामा ससुर के लड़के हैं, तो ये अभी कपकोट में है पोस्टेड, तो इसीलिए हम सीधे कपकोट आए, नहीं तो बीच में हमें कहीं होटल वोटल करना पड़ता अगर रुकते, तो इसीलिए ये यहाँ थे, तो हमने इन्हीं के वहाँ स्टे किया रात, और इनने बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी यहाँ, एकदम मज़ा आ गया, जो शांति से नींद आई यहाँ पर बता नहीं सकता। तो हम हो चुके हैं तैयार, और टाइम हो चुका है 8 बज चुका है, तो अभी अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि कल बहुत लेट हो गए थे और पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, इसलिए आज हम टाइम से निकल रहे हैं। चल फिर कमल, चला तू पहले, चल ठीक है चलते हैं, आप भी आना उधर को, आप तो खाली यूं यूं करते हो वहीं पर, आगे आते नहीं हो फिर। आएंगे आएंगे आप आएंगे। अच्छा अच्छा, टोपी दादी की बड़ी खतरनाक लग रही है यार, मोदी जी वाली है, गजब यार गजब, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं दादी के सर में एकदम मोदी टोपी छाई हुई है आजकल, चलो मोदी जी पहाड़ में आके टोपी तो चला गए है नहीं। चलो ठीक है अभी दादी, फिर मिलते हैं, आना कभी।
आएंगे जरूर। अभी सामान होता है। ठीक है अभी दादी, ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है आना उधर को कभी यार, बाबर की तरफ। तो अभी हम निकल चुके हैं और दादी को हमने बाय बाय बोल दिया है। तो अभी ड्राइव करेगा कमल, ऊपर में से बैठता हूँ मैं भी, और इस जगह को भी कर देते हैं बाय बाय। बहुत सुंदर और सुकून भरी जगह थी। तो अभी तो धूप भी आ चुकी है बढ़िया सी। चल भाई जय माता दी। तो अभी पहाड़ों में हल्की हल्की धूप आई है, मंद मंद, और ठंडा तो अच्छा खासा है यहाँ पे। तो ये घर थे, इन्हीं के खेत थे और इसी नदी में हम नहाने गए थे, जा रही नीचे को। अच्छा ये घर थे, वहाँ से दिख नहीं रहे थे, इन्हीं के खेत होंगे। ये है पहाड़ के सीढ़ी नुमा हरे भरे खेत। तो गेहूं का भी अच्छे हुए हैं यहाँ, एकदम हरे हरे गेहूं हुए। तो अभी हम जा रहे हैं कपकोट श्यामा भराड़ी होते हुए। तो अभी श्यामा हमने क्रॉस कर लिया है, ये भराड़ी की मार्केट आ गई है। तो अभी हम जाएंगे श्यामा होते हुए पिंडारी ग्लेशियर, 58 किलोमीटर है भाई। तो यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर मात्र 58 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वहाँ हम जाएंगे नहीं, अगली बार जाएंगे। और ये नदी आ रही है वहीं से, पिंडारी ग्लेशियर से। तो अभी हम चल पड़े हैं श्यामा की ओर। तो सुबह सुबह ठंडा काफ़ी हो रहा है, तो अभी कमल ड्राइव कर रहा है तो इसको लग गई है ठंड, अभी ये जॉकेट पहन रहा है। तो अभी हम हैं श्यामा में, नहीं हमें भराड़ी, भराड़ी में है, सॉरी भराड़ी में है, और जा रहे हैं श्यामा की ओर। और सोच रहे थे हम पिंडारी ग्लेशियर तक जाएं, लेकिन नहीं जा रहे वहाँ, क्योंकि काफ़ी लंबा रूट हो जाएगा हमारा। तो अगली बार जाएंगे कभी वहाँ। और सामने बह रही है सरयू नदी, तो ये पिंडारी ग्लेशियर से ही निकल के आती है। और सामने पेड़ में देख सकते हैं कितना फूल से पूरा झुका हुआ है पेड़। काय का पेड़ होगा यार ये? कोयराल का पेड़ है, कोयरालू। तो ये कोयरालू का पेड़ है, पूरा पेड़ फूल से लदा हुआ है, कोयरालू ही कहते हैं शायद इसको, उसी का पेड़ है ये, पूरा पेड़ फूल से ही लदा हुआ है। तो अभी हमें जाना है इन पहाड़ियों को चीरते हुए आगे, तो इन्हीं पहाड़ियों में रेंगते रेंगते आगे निकलना है, तब जाके हम पहुंचेंगे बिरथी फॉल। पहन ले पहन ले। मैंने पहले कहा पहन ले। तेज हम 55 किलोमीटर है यहाँ से। रोड भी काफी खराब है। तो सामने की पहाड़ी में तो धूप आ चुकी है, लेकिन इस वाली पहाड़ी में आई नहीं है अभी। और इस समय पहाड़ों में फूल ही फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, पीले लाल नीले गुलाबी। तो इधर ही होके हम आए थे नीचे से, अभी ऊपर पहुंच गए हैं। ये है